बुलंदशहर में हादसे में दो की मौत के बाद बवाल, लोगों ने पुलिस चौकी में की तोड़फोड़, पुलिस पर लगाया वाहनों से अवैध वसूली का आरोप। गोरखधाम एक्सप्रेस में महिला के साथ मारपीट, सीट को लेकर हुआ विवाद, महिला ने छेड़छाड़ का भी लगाया आरोप। दिल्ली से उत्तराखंड जा रही कार कोटद्वार में खाई में गिरी, हादसे में पिता और बेटी की मौत, तीन बुरी तरह जख्मी। यूपी में ईद के मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, मेरठ और कानपुर देहात में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। और उत्तराखंड सरकार का राज्य के लोगों को ईद का तोहफा, अब 42 साल की उम्र वाले भी कर सकेंगे सरकारी पदों के लिए अप्लाई।